नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपको बताऊंगा कि हमारे नी जॉइंट के बारे में, ऑस्टियो अर्थराइटिस ऑफ नी क्या होता है, कहाँ दिक्कत आती है, इन्फ्लामेशन क्या होती है, या कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके घुटने का ग्रीस घिस गया है या तेल ख़त्म हो गया है, गैप ज़्यादा हो गया है, इन सभी मेडिकल टर्म में इनकी पोजिशन को समझेंगे कि क्या कंडीशन हो सकती है। तो आप इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे, आपके सामने पूरा नी का एक जॉइंट है। ये जो सामने का जो आप देख पा रहे हैं इसको, ये लिगामेंट है जो आगे से सपोर्ट करता है नीचे और ऊपर की बोन्स को। अगर हम पीछे से देखें तो ये पीछे की जो बोन है इसकी, इसको फेमुर बोन बोलते हैं। आगे से अगर हम देखें तो हमारे घुटने से नीचे दो बोन्स होती हैं, ये सामने टिबिया है और ये है फिबुला। ये जो वाली जो पतली सी बोन जा रही है ये फिबुला बोन है, और ये जो मजबूत बोन है जिस पर हमारी पूरी बॉडी का वेट टिका रहता है, इसको बोलते हैं टिबिया। टिका रहने से ध्यान आएगा टिबिया। तो और ये दोनों जॉइंटों को, यानी कि नीचे वाली बोन को और ऊपर वाली बोन को जो जोड़ता है, जो मेन लिगामेंट है, ये सामने से आप देख रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा लिगामेंट टियर हो जाता है, लिगामेंट का ऑपरेशन होगा, तो यही लिगामेंट है। और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो छोटी सी एक पतली सी बोन है जिसको हम पटेला बोलते हैं, जिसको हम नी कैप बोलते हैं, यानी कि घुटने का कैप बोलते हैं, तो इसको पटेला बोलते हैं। कई लोग इसे घुटली बोल देते हैं, आम भाषा में घुटने की घुटली है ना, तो ये भी आपको ध्यान आएगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि इस फिबुला से, फिबुला के साथ में ये मेन बोन जुड़ी हुई है, ये भी साइड में एक लिगामेंट है, ये भी, ये बड़ा लिगामेंट है, ये छोटा लिगामेंट है ना? अब इन दोनों के हड्डियों के बीच में आप एक नीला सा पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये बोन है, इसके नीचे कार्टिलेज होती है, यानी कि इस बोन के जब भी किसी बोन का लास्ट पार्ट होगा उसके बाद कार्टिलेज शुरू होते हैं, तो कहते हैं कार्टिलेज का घिस जाना। तो कार्टिलेज घिस जाती है तो यहाँ जो गैपिंग है ये खत्म हो जाएगी। ये आप नीला नीला पार्ट देख रहे हैं, हालांकि ये साइनोवियल फ्लूइड का पार्ट है, यानी कि ये फ्लूइड है जो ये दिखाता है कि इन दोनों हड्डियों के बीच में गैप है, और ये गैप होना चाहिए। अगर ये गैप खत्म हो जाता है, यानी कि ये अगर ये जो नीला पार्ट कम दिखेगा, यानी खत्म होता चला जाएगा, तो आपके दोनों जॉइंट पास पास आते चले जाएंगे, और ये जब आप चलेंगे, दौड़ेंगे या आप सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आपको पेन करना शुरू कर देगा। तो इसी को बोलते हैं कार्टिलेज का घिस जाना, ये जो नीला नीला पार्ट है या हड्डी के ऊपर एक कवरिंग है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। अब जो बच्चे होते हैं जिनकी हाइट बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि एक्सरे कराना चाहिए घुटने का, और उससे पता लग जाता है कि आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस है या नहीं है। तो ये जो हड्डी है और हड्डी के ऊपर कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज और हड्डी के बीच में एक लाइनिंग आती है, इसको बोलते हैं इफी फीजल लाइन, यानी कि ये कार्टिलेज हो गया, ये कार्टिलेज हो गया, हड्डी की कवरिंग होती है जो कार्टिलेज होती है, हड्डी और कार्टिलेज के बीच में एक लाइनिंग आती है, इसको हम इफी फीजल लाइन बोलते हैं। अगर ये लाइन दिख रही है, अगर आपने एक्सरे कराया घुटने का, यानी कि बच्चे का एक्सरे कराया और वो लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब है कि हड्डी की ग्रोथ हो सकती है। और ये कार्टिलेज और ये हड्डी या इफी फीजल लाइन आपकी बॉडी के हर जॉइंट पर होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि घुटने की हड्डी बढ़ेगी तो ही हमारी हाइट बढ़ेगी, यानी कि पूरी बॉडी की हाइट बढ़नी चाहिए। लेकिन हम स्पष्ट जो क्लियर कट हमें जो दिखाई देगी इफी फीजल लाइन, वो हमें घुटने में नजर आएगी, क्योंकि घुटने की हड्डी हमारी सबसे बड़ी है, यानी कि ये ऊपर का फेमुर बोन, नीचे की टिबिया, ये बड़ी बोन है, तो इनमें जो इफी फीजल लाइन है बिल्कुल क्लियर कट नजर आएगी। तो और यहीं से जब ये गैप खत्म हो जाता है तो इसी को हम ऑस्टियो अर्थराइटिस ऑफ नी बोलते हैं। ऑस्टियो का मतलब हड्डियां है, अर्थराइटिस का मतलब इंफ्लामेशन, और ऑफ नी यानी कि घुटने की हड्डियों का इंफ्लामेशन होना, घुटने की हड्डियों के बीच में जो गैपिंग है वो खत्म हो जाना ही हड्डियों की समस्या है, यानी कि ऑस्टियो अर्थराइटिस ऑफ नी है। तो ये सामने का लिगामेंट में इंजरी हो जाती है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, और ये मेजर लिगामेंट है, ये माइनर है, यानी कि छोटे छोटे लिगामेंट्स हैं, ये इसकी फेमुर बोन है, ये टिबिया है, ये आपकी फिबुला है, और इसके साथ में हड्डी के ऊपर जो कवरिंग है इसको उसको कार्टिलेज बोलते हैं, और कार्टिलेज के साथ में के नीचे ये जो है वो साइनोवियल फ्लूइड का पार्ट है। साइनोवियल फ्लूइड के खत्म होने से भी हड्डियां आपस में टकरानी शुरू कर देती हैं। हड्डियां कई बार ऐसे भी हो जाती है, ऐसे भी हो जाती है, और ऐसे भी
दब जाती है, यानी कि अगर इस पार्ट में दिक्कत आएगी तो इधर की तरफ झुक जाती हैं, पास आ जाती हैं ऐसे इस तरीके से। अगर इधर का पार्ट घिस गया है तो वो ऐसे हो जाती हैं, और बीच का है तो बीच में। कई बार हम जब टेढ़े चलते हैं, हमारी चलने का दौड़ने का पोस्चर गलत होता है, तो गलत पोस्चर की वजह से भी हमारी हड्डियाँ जल्दी घिस जाती हैं। तो ये हड्डिया का पोस्चर है, हमें ध्यान करना है कि, और कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग नीचे से बैठते हैं, खड़े होते हैं, बैठ के खड़े होते हैं, या हड्डियां सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तो एक कटकट की आवाज आती है। ये इस लिगामेंट की आवाज है, हड्डी की आवाज नहीं होती, हड्डी टूटने की आवाज नहीं होती, हड्डी आवाज कभी नहीं करती हैं। अगर हड्डियां आवाज करेंगी तो हड्डी एक ही बार आवाज करती है जब वो टूटती है। तो ये लिगामेंट के मूवमेंट नहीं है, लिगामेंट प्रॉपर नहीं है, उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, इस वजह से लिगामेंट की आवाज होती है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने आवाज करी, यानी कि मैंने उंगली मोड़ी और आवाज हो जाती है, ये लिगामेंट की आवाज है। तो ये लिगामेंट की है, घुटनों में जिन लोगों को कड़कड़ की आवाज आती है चलते हुए बैठते हुए, ये लिगामेंट की आवाज होती है। तो इस तरीके से पूरा घुटने का स्ट्रक्चर है, और इसके माध्यम से आप लोगों को पता लगा होगा कि घुटने की समस्या का मतलब क्या है, कहाँ दिक्कत आती है, और किस भाग को हम कौन सा पार्ट बोलते हैं।